हेलो फ्रेंड्स, होम एंड लोन लिंकर से लेकर आया है आपके लिए स्पेशियस सा 3 BHK का फ्लैट जो कि 125 स्क्वायर यार्ड्स में बनाया गया है। ये फ्लैट काफ़ी ही वेंटिलेशन वाला और स्पेशियस रहने वाला है। इस फ्लैट में आपको 3 बेडरूम फुली वेंटिलेटेड और 2 वॉशरूम स्पेशियस से मिल जाते हैं, प्लस एक मॉड्यूलर किचन और एक लिविंग हॉल भी आपको मिल जाता है जहां पर आप अपना डाइनिंग टेबल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस फ्लैट में आपको लिफ्ट और कार पार्किंग की फैसिलिटीज भी मिल जाती है। ये प्रॉपर्टी एक फ्री होल्ड और लोनेबल प्रॉपर्टी रहने वाली है। ये LIC अप्रूव्ड बिल्डिंग है जहां हम आपको LIC से लोन करवा कर देंगे। तो बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी प्रॉपर्टीज की जुड़ी हुई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना देर करें करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए मेरे साथ। तो ये आ जाता है हमारे बिल्डिंग का फ्रंट का एलिवेशन। इस एलिवेशन को हमने ब्राउन एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन से काफ़ी ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके बनाया है। तो एक बार देख लेते हैं हमारा फ्रंट का रोड। ये रोड जो है 25 फीट वाइड रोड रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ही वाइड रोड ये हमारी रहने वाली है। तो चलते हैं सीधा पार्किंग के अंदर। ये आगे हमारी पार्किंग। इस पार्किंग में हम आपको 4 फीट तक टाइल का वर्क करके देंगे ताकि आपकी पार्किंग कभी भी गंदी ना हो और हमेशा साफ सुथरी रहे। इस पार्किंग में आप अपनी इजीली 4 व्हीलर को पार्क कर सकते हैं, तब भी काफ़ी स्पेस आपका बच जाता है। पार्किंग की वॉल में हम आपको मल्टी लाइट कलर से डेकोरेट करके दे रहे हैं ताकि आपकी पार्किंग और भी ज़्यादा बढ़िया दिखे। फॉल सीलिंग में भी आप देख सकते हैं काफ़ी ही अच्छे तरीके से वर्क हुआ है। इस साइड आ जाता है आपका मोटर का सेक्शन जहां आप अपनी पानी की मोटर इंस्टॉल कर सकते हैं, और इस तरफ आ जाता है आपका लिफ्ट। लिफ्ट अभी वर्किंग में है तो इजीली आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। लिफ्ट के सामने ही मिल जाता है आपको स्टेयर्स का एरिया। स्टेयर्स को हमने काफ़ी ही वाइड और छोटे स्टेप्स बनाए गए हैं ताकि आप इजीली ऊपर चढ़ सकें। तो चलते हैं हमारे फ्लैट के अंदर। जैसे ही हम अपने फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं हमें मिल जाता है हमारा स्पेशियस सा लिविंग हॉल। इस लिविंग हॉल की फॉल सीलिंग को काफ़ी ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया गया है जहां आपको 2 फैंस और बीच में एक ब्यूटीफुल सा झूमर लगा हुआ मिलता है। हॉल में हमने आपको 9 सीटर सोफा इंस्टॉल करके दिखाया है, तब भी काफ़ी स्पेस बच जाता है। आप चाहे तो इससे बड़ा भी सोफा इंस्टॉल कर सकते हैं। लिविंग हॉल की वॉल्स को हमने काफ़ी ही डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया है जो इसकी ब्यूटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है। इस साइड आ जाता है आपका टीवी पैनल। इस टीवी पैनल में आप अपना 65 इंच का टीवी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे आपको ड्रॉर्स और कैबिनेट्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ आप अपना सारा सामान इजीली रख सकते हैं। और लिविंग हॉल के सामने ही आपको मिल जाता है एक स्पेशियस सा मॉड्यूलर किचन। अगर मैं मॉड्यूलर किचन से पहले पार्टीशन की बात करूं तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है जहां आप अपना डेकोरेटिव आइटम को इंस्टॉल करके डेकोरेट कर सकते हैं। इस किचन को हमने यू शेप में डिज़ाइन किया है जहां आपको ड्राई और वॉशिंग स्लैब्स अलग अलग मिल जाते हैं। वॉशिंग में आपको 2 सिंक्स लगी हुई मिलेगी और टैप लगा हुआ मिलेगा। सिंक के ऊपर ही हम आपको RO का प्रोविज़न देते हैं जहां आप अपना RO लगा सकते हैं। इस साइड आ जाता है आपके वेंटिलेशन के लिए विंडो, और साथ में ही आपको मिल जाता है चिमनी जहां हम आपको चिमनी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करो तो ये काफ़ी ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन से डिज़ाइन किया गया है। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम में। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है जो कि एक मास्टर बेडरूम है।
इसकी फ्लोरिंग की बात करूँ तो हमने एक वुडन टाइल्स में आपको वर्क करके दे रहे हैं, जो काफ़ी ही अच्छा लग रहा है। बेड इंस्टॉल करके दिखाया है तो बेड के लेफ्ट और राइट में काफ़ी स्पेस बच जाता है। फॉल सीलिंग में हम आपको एक यूनिक डिजाइन से डेकोरेट करके दे रहे हैं। और बेड के सामने ही आपको मिल जाता है टीवी पैनल, जहां अपना 43 इंच का टीवी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो और ऊपर विंडो एसी का प्रोविजन दिया गया है। तो ये आ जाता है हमारे रूम का अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम की अगर बात करूँ तो ये 8x8 का बाथरूम रहने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम रहने वाला है, जहां आपको हम टैब, शीट और वॉश बेसिन लगा कर दे रहे हैं। इसी रूम में आपको वार्डरोब भी मिल जाता है और एक स्टडी टेबल भी मिल जाता है, जहां आप अपने बच्चों को स्टडी करवा सकते हैं या फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। ये आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम को भी हमने अपने मास्टर बेडरूम की तरह ही डिजाइन किया गया है। बेड लगने के बाद भी आपको लेफ्ट, राइट और फ्रंट में काफी स्पेस बच जाता है। इसका भी फॉल सीलिंग हमने काफी ही यूनिक डिजाइन में डिजाइन किया है। इसका वॉलपेपर भी काफी ही अच्छा लग रहा है। बेड के सामने ही आपको टीवी पैनल मिल जाता है, यहाँ पर भी आप अपना 43 इंच का टीवी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और नीचे आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं सामान रखने के लिए। वेंटिलेशन के लिए विंडो और ऊपर विंडो एसी का प्रोविजन आपको दे दिया है। इस रूम में भी आपको एक वार्डरोब मिल जाता है, प्लस ड्रेसिंग का एक मिरर भी लगा के दिया गया है, जहां आप खड़े होकर तैयार हो सकते हैं। तो इसी बेडरूम से हम एक्सेस करते हैं हमारी बालकनी को। इस बालकनी का साइज 8x16 फीट रहने वाला है, जो काफी ही स्पेशियस बालकनी रहने वाली है। यहाँ आप अपनी चेयर्स को लगाकर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसकी फॉल सीलिंग को भी हमने काफी ही अच्छा डिजाइन से वर्क किया है। साथ ही आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने 3.5 फीट हाइट तक टफन ग्लास और स्टील की रेलिंग लगाकर दी गई है, जो कि काफी ही सॉलिड रहने वाली है। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर लें। ये आ गया हमारा थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम को भी हमने अपने दोनों बेडरूम्स की तरह ही डिजाइन किया गया है। फॉल सीलिंग में हमने आपको यूनिक डिजाइन में डिजाइन करके दे रहे हैं, जो काफी ही अच्छा लग रहा है। बेड इंस्टॉल करने के बाद आपके लेफ्ट, राइट और फ्रंट में काफी ही स्पेस बच जाता है। बेड के फ्रंट में ही आपको मिल जाता है टीवी पैनल। टीवी पैनल यहाँ आप अपना 43 इंच का टीवी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे आपको मिल जाता है कैबिनेट और ड्रॉर। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर एक विंडो मिल जाती है, जो कि एक शाफ्ट विंडो रहने वाली है। इस बेडरूम में भी आपको हम एक वार्डरोब और स्टडी टेबल बनाकर दे रहे हैं, जहाँ आप अपने स्टडी या वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं, हम देखते हैं हमारा कॉमन वॉशरूम। इस कॉमन वॉशरूम का साइज 6x6 फीट रहने वाला है। वॉल टू वॉल टाइल कवर का आपको देखने के लिए मिलेगा। इस वॉशरूम में हम आपको गीजर भी प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पर सैनिटरी साड़ी एक प्रीमियम क्वालिटी की लगाकर दी गई है। यहाँ आपको हैंगिंग शीट और वॉश बेसिन भी मिल जाता है। ये फ्लैट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। और अगर इसका प्राइस जानना हो तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप इसका प्राइस जान सकते हैं। तो मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हम ग्राहक नहीं, रिश्ते बनाते हैं।